नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। बहुत दिनों से हैप्पीनेस सेंटर के लिए कोई वीडियो नहीं डाला है, सो हियर आई एम। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाट इज इट और क्या कर सकते हैं हम प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए? सो व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? अगर कोई ऐसा काम है जो हमें करना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर यू, हमारे लिए लाभदायक है, तो भी हम उसे नहीं कर रहे हैं, हर दिन कह देते हैं कि आप कल करेंगे, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको डिले करने की कोशिश करते हैं, उसको करने से कतराते हैं, और आपको पता है कि उससे आपको ही फ़ायदा होगा, तो भी आप उसे नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। एक चीज़ है जो अच्छी है इस वीडियो में प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करने की, कि 95% ऑफ अस हम कभी ना कभी कोई ना कोई काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो वी आर इन मेजॉरिटी थैंकफुली। बट वॉट आर द थिंग्स दैट वन कैन डू? सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग माई टिप्स बिकॉज आई एम अ बिट ऑफ अ प्रोक्रेस्टिनेटर। मैं भी करती हूँ कई कई बार, मुझे पता है कि मुझे वो काम करना चाहिए पर मैं कहती हूँ कल कर लूँगी या परसों कर लूँगी। बट वॉट आर द थिंग्स दैट टेन टू हेल्प मी? आई थॉट ऑफ शेयरिंग दोज विद यू। तो पहली बात तो प्रोक्रेस्टिनेशन किसी भी काम को लेके हो सकता है। वो काम शायद आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, या आपको फियर ऑफ फेलियर, आपको लग रहा हो कि आप उसे करेंगे और आप उसमें फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, सो यू डोंट डू इट। या कई बार वो काम होता है बोरिंग होता है, यू फील लाइक यार ये रिपोर्ट मुझे नहीं बनानी है, दिस इज़ नॉट फन एट ऑल, मैं नहीं करना चाहती। सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट यू डू, यू डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग क्योंकि वो आपको बोरिंग लगता है या डिफिकल्ट लगता है। तो देर आर डिफरेंट वेज दैट वन कैन डील विद इट। वन ऑफ द थिंग्स दैट वर्क्स फॉर मी एंड इन विच जेमी की इस जो फिलोसफी है उस वो मैं बहुत ही, मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। जेमी की फिलोसफी सिंपल है कि अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए परफेक्ट टाइम या परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करिए। इफ़ यू हैव टू डू समथिंग उसे अभी करिए, डू इट नाउ, दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी फिलोसफी है और बहुत इफेक्टिव फिलोसफी है ये काम करने की और प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने की। कि भाई ये मत देखिए कि गर्दिश में, यूनिवर्स में कहाँ पे तारे सितारे जो भी हैं स्टार्स अलाइन होंगे, परफेक्ट मोमेंट होगा, मुहूर्त निकालेंगे और तब करेंगे। इंस्टेड अगर आपको कोई काम करना है जो आपको पता है आपको करना है, डू इट टुडे, डू इट एज सून एज यू कैन। ऑब्वियसली रात को 12 बजे सोने से पहले आपको लग रहा है कि यार मुझे वर्कआउट करना है तो उस वक्त तो नहीं कर सकते, बट एज सून एज यू कैन डू इट यू शुड वॉन्ट टू डू इट। तो एक परफेक्ट समय का इंतज़ार नहीं करिए, स्टार्ट इट नाउ। तो जैसे ही आप उस काम को स्टार्ट करते हैं वो ऑलरेडी धीरे धीरे आपके लिए ईजी होने लग जाता है। सो वंस यू स्टार्ट द वर्क, वो कोई भी काम हो, आधा आपका जो डिफ़िकल्टी जो आपने अपने दिमाग में बनाई हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो स्टार्ट नाउ, जो भी आपका काम है उसे शुरू कीजिए। अगर बहुत डिफ़िकल्ट वो आपको लग रहा है, लाइक आई फाइंड समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, आई टोल्ड दिस बिफोर ऑल्सो इन माई अदर वीडियोज़, कि मैं क्या करती हूँ उसे छोटे टाइम पीरियड्स में, टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर देती हूँ। तो अगर मुझे कोई काम बहुत मुश्किल लग रहा है तो मैं कहती हूँ कि आज मैं उसे आधे घंटे के लिए करूँगी, फिर कल फिर उसे आधे घंटे के लिए करूँगी, जितना भी है 15 मिनट, और फिर मैं देखती हूँ कि कितना ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। क्योंकि अगर एक कोई भी चीज़ को आप एक दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली इट बी वेरी डिफ़िकल्ट। पर प्रोक्रेस्टिनेटर्स नॉर्मली वो ही करते हैं कि वो अगर जैसे कोई प्रेजेंटेशन करनी हो आपको अपने ऑफिस में, आपके पास पूरा हफ्ता है, पूरे हफ्ते सोचते रहेंगे करनी है करनी है, गिल्ट महसूस करते रहेंगे कि भाई मुझे, मैंने आज भी नहीं किया, देखिए मैंने कल भी नहीं किया, और फिर जब बिल्कुल अगले दिन जब प्रेजेंट करना होगा उसके, मतलब एक रात को आप बैठ के वहाँ पे अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एंड दैट टाइम जो एंग्जाइटी लेवल है वो बिल्कुल हाई रहती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन को अच्छा भी बनाना है, तो फिर वो अलग ही माहौल हो जाता है जिसमें इतने प्रेशर में आप ना कोई काम ढंग से कर पाते हैं। तो द बेस्ट वे आई फील टू डील विद दिस फॉर मी इज़ कि आप उसको ट्राई करो छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में डिवाइड करने की, छोटा छोटा करने की, एंड देन ट्राई टू डू इट एवरी डे। एंड अनदर थिंग दैट वर्क्स फॉर मी इज़ इमीडिएट रिवॉर्ड। अगर कोई काम है जो इतना मुझे पसंद नहीं है उसका, मैं हमेशा अपने लिए कहती हूँ कि अगर मैं ये काम अभी करूँगी तो इसके बाद मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगी।
एंड इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी स्मॉल, ज़्यादा बड़ी चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कहिए कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगी जब तक मैं ये ख़त्म नहीं कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने आप को 15-20 मिनट दूंगी जिसमें आई कैन लुक एट सोशल मीडिया एंड वेस्ट माई टाइम। तो वो जो एक है, आप छोटे छोटे अपने आप को रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। एक और है विच कैन बी स्लाइटली हेल्पफुल फॉर पीपल इज कि आप एक काम जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं है और दूसरा काम जो आपको काफ़ी पसंद है, दोनों को साथ में अगर कर सकते हैं तो कैसे आप करेंगे। जैसे कि आपको एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको वॉक पे जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर आपको ऑडियो बुक सुनना बहुत पसंद है, जो कि मुझे पसंद है, तो आप ये कह सकते हैं या ये कर सकते हैं कि आप जो भी ऑडियो बुक उस वक्त सुनना चाहते हैं आप वो ऑडियो बुक्स लगा के अपने मतलब हेडफोन्स लेके यू कैन गो फॉर योर वॉक और साइकिलिंग, उससे आपका दोनों काम हो जाएंगे और जो ये एक एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो थोड़ा कम बोरिंग हो जाएगा व्हेन यू क्लब्ड इट विद समथिंग यू लाइक। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक श्योर दैट यू डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। ये वीडियो मैं स्पेशली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विनोद, उनके लिए बना रही हूँ। उन्होंने एक कॉमेंट में ये लिखा है कि वो पिछले 9 साल से एक जॉब कर रहे थे और अब उन्हें किसी कारणवश वो जॉब छोड़ना पड़ा है, पर उसके बाद अब वो अपना रेज्यूमे नहीं बना पा रहे हैं फॉर द फियर ऑफ फेलियर। सो विनोद एंड फॉर एवरीबडी एल्स हुज गोइंग थ्रू दिस uncertain, unfortunate period, I'd like to tell you that the best way to deal with the fear of failure is to say ki failure is not so bad. Failure will always teach you something in return. It has always taught me something. And for all those people who've been successful, koi bhi ho wo, unhone apni life mein bahut failures dekhe hain successful hone se pehle. So failure is a stepping stone to success. So अगर उस एटीट्यूड के साथ आप अप्रोच करोगे इस पूरे जो आपका टाइम पीरियड है ये, तो यू नो होपफुली दैट विल हेल्प यू मोर देन हैविंग द फियर। क्योंकि जब तक आप बनाओगे नहीं उस रेज्यूमे को और भेजोगे नहीं, तब तक तो आप बैठ के सोच ही सकते हो कि मुझे क्या नौकरी मिलेगी, क्या होगा, व्हाट विल बी माय फ्यूचर, पर एक्शन कहाँ है उसके ऊपर। लाइक आई सेड राइट इन द बिगिनिंग दैट यू हैव टू एक्ट ऑन इट। आप कुछ भी सोचते रहो वो अलग है, you have to act right now. So this is for all those people who are feeling this, who feel like abhi future thoda sa uncertain hai, then just remember that there will come a point when you will be successful, but to be successful you've got to keep trying, and while you try there will be failures. So embrace those failures, learn from them, say ki maine isse kya kya sikha hai, maine ye sikha hai aage main ye mistakes nahi karungi ya karunga, and then just keep going on. So I wish you all the very best, Vinod, and I wish all the very best to everybody who's watching. Thank you so much for supporting my videos, and if you like the video please share, please subscribe, and just stay happy and stay positive. For now, goodbye, thanks for watching.